हेलो दोस्तों, एन बॉली मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान की राधे और अक्षय की लक्ष्मी बम फिल्म के क्लैश के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगले साल ईद पर बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है। सलमान खान इस दिन के लिए अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को बुक कर चुके हैं। अब अक्षय कुमार भी इस दिन को अपनी फिल्म के लिए खास बनाना चाहते हैं। दरअसल लक्ष्मी बम के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वो ईद 2020 पर अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। फॉक्स स्टार हिंदी के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया, ईद 2020 को सारे देश में मचेगा शोर जब फटेगा लक्ष्मी बम आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। मेकर्स ने पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं और नीचे की तरफ फिल्म की रिलीज डेट लिखी गई है। बता दें, लक्ष्मी बम 2011 में तमिल फिल्म का कंचना का हिंदी रीमेक है। फिल्म में अक्षय के अपोजिट कियारा आडवाणी नजर आएंगी। गौरतलब है कि अक्षय ने पहले ईद 2020 को अपनी दूसरी फिल्म सूर्यवंशी के लिए बुक किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे चेंज कर दिया ताकि सलमान स्टारर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशा अल्लाह से क्लैश ना हो सके। हालांकि बाद में इंशा अल्लाह ठंडे बस्ते में चली गई और सलमान ने फैंस को ये बताकर सरप्राइज कर दिया कि उनकी अगली फिल्म कॉप ड्रामा राधे योर मोस्ट वांटेड भाई होगी। बात करें अक्षय की, साल 2020 में उनकी कई फिल्में रिलीज होनी हैं। लक्ष्मी बम के अलावा दिवाली पर उनकी पृथ्वीराज और क्रिसमस पर बच्चन पांडे भी रिलीज होनी है। दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।